أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شقت فأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم سامعتي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری سورۃ الانشقاق اما پارے کی سورہ ہے مکی سورہ اس کو ہم تجوید کے ساتھ سیکھ رہے تھے اور الحمدللہ ہم نے اس کی 15 آیات سیکھ لی تھیں آج ہم آگے سے انشاءاللہ سیکھیں گے تلاوت آپ کے سامنے آئی اب ہم اس کے رولز دیکھ لیتے ہیں اور تجوید کے جو رولز جہاں جہاں اپلائی ہوں گے ہم ان کو آپ کو بتاتے چلیں گے اس کے علاوہ مخارج کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے تو آیت نمبر 16 ہمارے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 16 فلا اقسم بالشفق فا زبر فا فا پر آپ دیکھ رہی ہیں زبر کی حرکت ہے اور اس کے آگے ہے لام لام میں آپ دیکھ رہی ہیں الف مدہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پہچانا کیونکہ الف ہے اور اس سے پہلے کیا ہے زبر تو یہ کیا ہو جاتا ہے الف مدہ اس کے علاوہ آپ لام پہ دیکھ رہی ہیں کہ لام پر کیا ہے مد بھی لگا ہوا ہے اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے اقسمو اس میں ہے حمزہ تو یہ کیا ہو جائے گا مد منفصل اس کو ہم 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچتے ہیں
तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, फला उकसिमु। हमजा को हम काफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि काफ पर क्या है, जज्म, और काफ जो है वो जब उस पर जज्म लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, हुरूफ कलकला में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कलकला, उक 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 सीमू, सीन जिर सीमीन पेशमू, सीमू उक सीमू, फला उक सीमू, उक सीमू बिशफक। मीम को बिल्कुल हमें खींचना नहीं है, उक सीमू बिशफक। बा को हम जेर की हरकत के साथ शीन से मिलाएंगे, बा शीन जेर बिश, शीन जबर शा, फा जबर फा, बिशफा, काफ जेर की, बिशफाकी, बिशफाकी। अगर हम आयत पर ठहरना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, काफ पर जज्म लगा देंगे, काफ को हम साकिन कर देंगे। जैसा कि हमने ऊपर बताया उकसिमु में काफ जब साकिन हो जाए वहां पर क्या होता है, कलकला। इसी तरीके से अगर हम आयत पर ठहरने की वजह से काफ को साकिन कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, कलकला। बिशफक, बिशफक, फला उकसिमु बिशफक। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 17, वल्लैलि वमा वसक। वल्लैलि, वाव को हम लाम से मिलाएंगे, वाव लाम ज़बर वल, लाम को हम या से मिलाएंगे। यहाँ पर या साकिन है और या साकिन से पहले क्या है, जबर, ये क्या हो जाता है, यालीन। इसको हम खींचते नहीं है और जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि वल लै की आवाज नहीं आनी चाहिए बल्कि वल्लई, वल्लई, लाम ज़ेरली, वल्लैलि, वल्लैलि, वल्लैलि वमा वसक। वमा, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, वमा, मीम में आप देख रहे हैं अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है। इसको हमने इस तरह से पहचाना क्योंकि अलिफ है और अलिफ से पहले क्या है, जबर की हरकत है। इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं, वमा, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक अलिफ की बराबर या दो हरकत की बराबर, वमा, वल्लैलि वमा वसक। वाव जबर वा, सीन जबर सा, वसक, काफ जबर का, वसका, वसका। और अगर हम आयत पर ठहरेंगे तो जैसे हमने बिशफक में किया था उसी तरीके से हम काफ पर क्या है, सुकून लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, कलकला, वसक, वसक, वल्लैलि वमा वसक, वल्लैलि वमा वसक। आगे बढ़ते हैं आयत, आयत नंबर 18, वल्कमरी इदत्तसक। वल्कमरी, वाव को हम लाम के साथ मिलाएंगे, वाव लाम जबर वल, काफ जबर का, वल्का, मीम जबर मा, वल्कमा, रा ज़ेरी, रा को बारीक पढ़ना है क्योंकि इस पर क्या है, ज़ेर की हरकत, वल्कमरी, वल्कमरी, वल्कमरी इदत्तसक, इदत, हमजा जिर ई दाल को हम ता के साथ मिलाएंगे, दाल ता जबर दत, इदत, ता जबर ता, इदत ता, सीन जबर सा, तसा, तसा, काफ जबर का, तसा, तसा। और अगर हम ठहरेंगे तो हम काफ पे जैसे हमने पिछली आयात में किया उसी तरीके से हम काफ पर क्या है, जज्म लगा देंगे और फिर यहाँ पर पलपला होगा, इदत तसक, वल्कमरी इदत्तसक, वल्कमरी इदत्तसक। आगे है आयत नंबर 19, लतरकबुन्ना तबकन तबक। लतरकबुन्ना, लम जबर ला, ता को हम रा से मिलाएंगे, रा साकिन है, रा साकिन से पहले अगर जबर की हरकत है तो ये क्या है, पेश, जबर और पेश जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रॉ को पुर पढ़ते हैं यानी मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ता के ऊपर जबर है, इस वजह से रॉ जो है वो मोटी पढ़ी जाएगी, लतर, लतर, कबुन, कब जबर का, बा नून पेश बुन, कबुन, नून जबर ना, कबुन, नून पर हम क्या करेंगे, गुन्ना, क्योंकि नून पर क्या है, शद लगी हुई है, ठीक है।
तो जब नून और मीम पर तशदीद आ जाती है तब हम क्या करते हैं, गुन्ना। गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में आवाज लेकर जाना और एक अलिफ के बराबर ठहरना। लतौकबुन्ना लतौकबुन्ना तौबकन तौबकन। तो जबर तो को हम हमेशा पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। तो जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है। तो जबर तो बा जबर बा तो बा को बारीक, और आगे काफ है, काफ को भी मोटा। तो तबाकन नहीं बल्कि तो, ता और तो दोनों में फर्क है। तो बाकन काफ पे देखिए तनवीन है, यानी दो जबर है, और दो जबर के आगे क्या है, आईन। आईन जो है वो हरूफ हल्की में से है, यानी हलक से अदा होने वाला है, इसीलिए हरूफ हल्की में आ जाता है। जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आ जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, इजहार। इख्फा नहीं होता है वहां पर, क्या होता है, इजहार। तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे तौबकन, यानी तनवीन की आवाज को हम छुपाएंगे नहीं, जाहिर करेंगे। तौबकन। अब देखिए अन, आइन को हम नून से मिलाएंगे, नून साकिन है, आइन नून जबर अन। अब यहाँ पर क्या है, नून साकिन, नून साकिन के बाद क्या है, तौ। तौ जो है, एक तो हमने बताया कि हमेशा पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। इसके अलावा तौ जो है वो हुरूफ इख्फा में से है, जो 15 हुरूफ हमने याद किए थे हुरूफ इख्फा उसमें से है। इस वजह से यहाँ यहाँ क्या होगा, इख्फा होगा, ठीक है, इख्फा। यानी नून साकिन की आवाज को हम छुपा लेंगे, जैसे दोबारा देखिए आयत, लतौकबुन्ना तौबकन तौबकन। और अगर ठहरेंगे आयत पर तो काफ को हम क्या कर देंगे, साकिन कर देंगे, तौबक तौबक। आगे है आयत नंबर 20, फमा लहुम ला युमिनून। फमा, फा जबर फा, मीम अलिफ जबर मा। मीम में क्या है, अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए मीम को थोड़ा सा खींचेंगे, फा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। फमा 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 लहुम, लाम जबर ला, हा मीम पेश हो, लहुम। फमा लहुम फमा लहुम ला युमिनून। लाम में आप देख रहे हैं अलिफ मद्दा है, लाम अलिफ जबर ला। फमा लहुम ला युमिनून, या यहाँ पे क्या है, पेश की हरकत, और उसके बाद क्या है, हमजा जो है यहाँ पर क्या आया है, वाव की शक्ल में आया है। तो जब हम हमजा के साथ मिलाएंगे तो हल्का सा झटका देते हुए मिलाएंगे, जैसे यु, या हमजा पेश यु, मीम जेर मी, यु मी, नून वाव पेश नू। नून में आप देख रही हैं आगे क्या है, वाव साकिन, यानी ये क्या हो जाएगा, वाव मद्दा। इसको हम इस तरह से पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाव साकिन, और वाव साकिन से पहले क्या है, पेश की हरकत, तो ये क्या हो जाता है, वाव मद्दा। इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे, फमा लहुम ला युमिनून युमिनून। और अगर आयत पर नहीं ठहरेंगे तो युमिनूना, और अगर ठहरेंगे तो नून को साकिन कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, युमिनून। फमा लहुम ला युमिनून फमा लहुम ला युमिनून। आगे है आयत नंबर 21, आज हम इसको पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह इस सूरे को। आयत नंबर 21, वइदा कुरिया अलैहिमुल कुरआनु ला यस्जुदून। वइदा, वाव जबर वा, हमजा जेर ई, व ई, दाल में आगे क्या है, अलिफ जुड़ा हुआ है, यानी अलिफ मद्दा हो जाएगा, थोड़ा सा खींचेंगे। वइदा वइदा कुरिया,
قفش قورا زر قري همزة زبر قرئ وإذا قرئ قوي يعني پڑھنا ہے یا نہیں ہے بلکہ حمزہ حمزہ پر کیا ہے زبر کی حرکت قرئ قرئ وإذا قرئ عليهم عليهم عين زبر علام يا زبر لي علي حاضر ہی علیہ میم کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے میم لام پیشمل علیہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علیہم میں کیا ہے یا لین اس کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں کھینچتے نہیں ہیں جیسے علی ایسے کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھیں گے علی علی لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ علی پڑھنا ہے علی نہیں پڑھنا ہے علیہم نہیں بلکہ علیہم علیہم وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ قُرْآنُ قَفْ رَفْ قُرْ رَا کو ہم یہاں موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیش کی حرکت ہے رَا ساکن سے پہلے قُرْ حمزہ کھڑا زبر آ قُرْآنُ پیش نو قُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ لام الف زبر لا آگے ہے يسجدون یا کو ہم سین سے ملائیں گے یا سین زبر یس جیم پیش جو یس جو دال واو پیش دو دال میں کیا ہے واو مدہ جڑا ہوا ہے يسجدون نون زبر نا اور اگر ٹھہریں گے تو ہم نون کو ساکن کر دیں گے جس طرح سے واو ساکن ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے نون پر ہم جزم لگا دیں گے اور پڑھیں گے یسجدون فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ آگے ہے آیت نمبر 22 فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بل الذين بزبر با لام کو لام سے ملائیں گے لام لام زیر لے بل لام زبر لا دال یا ذری دال میں آپ دیکھ رہی ہیں یا مدہ جڑی ہوئی ہے یعنی یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر کی حرکت اس وجہ سے یا مدہ ہو جائے گی بل الذين كفروا کاف زبر کا فا زبر فا کفا راو واو پشرو را میں آپ دیکھ رہی ہیں کیا جڑا ہوا ہے واو مدہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے پیش کی حرکت کفرو کفرو کاف اور فا کو بالکل نہیں کھینچنا ہے را کو تھوڑا سا کھینچیں گے کفرو بل الذین کفروا یکذبون یا پیش یو کاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال پر تشدید ہے یکذبون دال زیر دی یکذی با واو پیش بو نون زبر نا یکذبونا با میں آپ دیکھ رہی ہیں واو مدہ ہے یکذبونا اور اگر آیت پر ہم ٹھہریں گے تو جس طرح سے واو ساکن نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے نون کو بھی ہم ساکن کر دیں گے اور کیا پڑھا جائے گا یہ یکذبون بل الذین کفروا یکذبون آگے ہے آیت آیت نمبر 23 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ وَاللَّهُ واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا وَاللَّهُ حَابِشْهُ وَاللَّهُ اللہ کے لام کا جو ہے ایک خاص قاعدہ ہے اس کو کب موٹا پڑھنا ہے اللہ کے لام کو اور کب باریک یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں تو یہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لام سے پہلے اگر کیا ہے زبر کی حرکت ہے یا پیش کی حرکت ہے تب اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے زیر میں باریک پڑھا جاتا ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں زبر ہے اس لیے اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا واللہ 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 اعلم بما یوعون اعلم حمزہ کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے آ نہیں بلکہ آ حمزہ عین زبر آ لام زبر لا میم پیشمو اعلم 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 بما یوعون اعلم بما یوعون
يعلمون. بازل بي ميم الف زبر ما، ميم में क्या है अलिफ मद्दा, بما اعلم بما يعلمون. या वाओ पेश यू या में और आगे जो है आइन, इसमें इन दोनों में क्या है वाओ मद्दा जुड़ा हुआ है, दोनों को बराबर के साथ खींचेंगे يعلمون يعلمون. والله اعلم بما يعلمون. और अगर हम आयत पर ठहरेंगे तो क्या पढ़ेंगे يعلمون, यानी नून को हम साकिन कर देंगे. आगे है आयत नंबर 24, فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم फर्स्ट फा बा को शीन के साथ मिलाएंगे, बा शीन जबर बश, फा बश शीन को आगे रा के साथ, और रा जो है बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन से पहले क्या है शीन पर जेर की हरकत. फबशिर हामिम पेश हुम, फबशिर हुम. यहाँ पर देखिए हुम में क्या है मीम साकिन, और मीम साकिन के बाद जब अजाब इनमें क्या आ रही है बा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा इकलाब. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ. بازر بھی عین زبر عا, عین کو پڑھتے وقت خیال رکھیے گا اس کا مخرج حلق پر بیچ والا حصہ. بیع دال الف زبر ذا, دال میں آپ دیکھ رہیں گے الف مدہ ہے اور دال کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے, نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. بیع ذا بادو زیر بن, بیع ذا بن, بیع ذا بن علیم. बाप आप देख रही हैं तनवीन है यानी दो जेर है, और तनवीन के बाद आगे जो है अलीम, इसमें क्या है हमजा, तो हमजा जो है वो भी हुरूफ हल्की में से है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा इजहार, ठीक है, इजहार इख्फा नहीं होगा इजहार होगा. हमजा जबर आ लाम या जिली अली, मीम दो जेर मिन अली मिन, लाम के साथ क्या है या मद्दा जुड़ी हुई है अली मिन. और अगर हम आयत पर ठहरेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मीम को साकिन कर देंगे, दो जेर जो है इनको हटा देंगे. जी तो यहाँ हम अलीम, अलीम को किस तरह से पढ़ेंगे, हमजा जबर आ लाम को हम या के साथ मिलाएंगे, या जो है यहाँ पर क्या है या मद्दा, क्योंकि या साकिन है और या साकिन से पहले जेर की हरकत है. अली मीम दो जेर मिन अली मिन, दो जेर हो और हमें आगे ठहरना हो तो हम क्या करते हैं दोनों जेर को खत्म कर देते हैं और उस हर्फ को साकिन कर देते हैं. तो यहाँ हम मीम पर क्या है जज्म लगा देंगे और हम पढ़ेंगे अलीम. फबशिरहुम बिअदाबिन अलीम, فبشرهم بعذاب أليم. आगे है आयत नंबर 25, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين, حمزة کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو آگے لام کے ساتھ. इल्लल इल्लल लदीना, लाम जबर ला दालिया देर दी, लदी 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 नून जबर ना, इल्लल लदीना. दाल में आप देख रही हैं कि या मद्दा जुड़ी हुई है इसलिए जाल को थोड़ा सा खींचेंगे. इल्लल लदीना, इल्लल लदीना आमनू आमनू, हमजा खड़ा जबर आ, खड़ी हरकत को हम खींच कर पढ़ते हैं. आमा मीम जबर मा नून वाव पेश नू, नून में क्या है वाव मद्दा, ठीक है. आमनू, जितना हम आ को खींचेंगे उतना ही नून को खींचेंगे, ठीक है. आमनू आमनू वअमिलु सालिहाती, वाव जबर वा आइन जबर आ, वा मीम जिर्मी वा मी, लाम को आगे हम स्वाद के साथ मिलाएंगे, लाम स्वाद पेश, लुस वा मी लुस वा मी लुस, स्वाद खड़ा जबर स्वाद जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है यानी हमेशा मोटा पढ़ा जाता है.
सा नहीं पढ़ना है बल्कि सौ। वअमिलु सालिहाती, लाम ज़ेर लिए हा खड़ा जबर हा, सालिहा दाल ज़ेर थी, सालिहाती। वअमिलु सालिहाती लहुम, लाम ज़बर ला हामिम पेश हुम, लहुम लहुम। आगे है अजरुन, हमजा को हम जीम के साथ मिलाएंगे और यहाँ जीम पर क्या है, जज्म है, इस वजह से क्या हो जाएगा, हुरूफ़े क़लक़ला में से, ठीक है, तो जीम पर क्या होगा, क़लक़ला। अज अजरुन अजरुन, रा पे आप देख रही हैं तनवीन है यानी दो पेश है, और उसके बाद क्या है गैरु में गैन, ये क्या है हुरूफ़े हल्के में से है, गैन जो है वो हुरूफ़े हल्के में से है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा इजहार। अजरुन गैरु, अजरुन गैरु ममनून, गैरु गैन या जबर गै या साकिन है और या साकिन से पहले जबर की हरकत है, ये क्या हो जाएगी याइलीन, यानी इसे खींचना नहीं है, जैसे गई इस तरह से खींचना नहीं है, जल्दी से पढ़ना है गई गैरु, रौपिशरु गैरु, इस बात का ख्याल रखिएगा कि गई इस तरह की आवाज आनी चाहिए, ना कि ये कि गै गैरु नहीं बल्कि गैरु गैरु गैरु। अजरुन गैरु ममनून, मीम मीम ज़बर ममनून, वाव पेश नून, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश की हरकत है, इसलिए क्या हो जाएगा वाव मद्दा, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, ममनून ममनून, नून दो ज़ेर निन, और अगर ठहरेंगे आयत पर तो हम क्या करेंगे नून को साकिन कर देंगे, यानी दोनों ज़ेर खत्म हो जाएंगे और नून पर क्या है जज़्म लग जाएगा, ममनून। पूरी आयत देखिए, आयत नंबर 25। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारी सूरह मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये सूरह सूरतुल इंशिकाक मुकम्मल हो गई है, और इसके बाद हम इसकी तफसीर और तर्जुमा देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग मालूम कर सकती हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।